ये आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ आकर निकाल कर हम जैसे लोगों के लिए ये वक्फ किया है, तो मैं फिर से दिल की अमीन गिराई से और सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार रियाज साहब का है जिसने हमें प्रोवाइड यहाँ जो स्पेस है प्रोवाइड किया है, तो इसलिए। और मैं आपको एक बात कहूंगा कि अल्लाह ने मैं ये मैंने न मैनेजमेंट के साथ बात की न किसी, ये टोटली डिफरेंट होगा इन। अगर ऊपर वाले चाह कि आप लोगों का साथ हो तो ये आप देखेंगे 6 महीने 8 महीने के 10 महीने के बाद आपका बच्चा या उसके पेरेंट्स वो कहेंगे कि वाकई ये मोरफ्री टोटल इन कश्मीर वैली में चाहे कोई बड़ा भी बड़ा भी, तो वो बात मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगा। फीस के बारे में कोई हम मिल बैठ कर करेंगे, जो मैं मतलब अपने जो और बच्चे हैं गरीब बच्चे हैं हमने एक टीम रचू की है, वो टीम सर्वे करेगी। अगर वो लड़का वाकई मेहनत करने वाला बच्चा हो आगे जाने वाला हो तो हम उसको हर एक चीज यहाँ फीडबैक करेंगे। ये आप लोगों से वादा है इंशाल्लाह, और आप लोगों की दुआओं की वजह से इंशाल्लाह ये आगे जाएगा। फिर भी और तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सब लोगों का जो यहाँ सूफी साहब का अवसर और रेफ्रेशमेंट के लिए कुछ ऐसी होती है से मैं जो हार्डली हैव गॉट एनी टाइम टू प्रिपेयर इन सच, लेकिन इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब भी हमने इनको दावत दी है, जब भी रिक्वेस्ट किया है, तो ये तशरीफ लाए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया और हम वेलकम करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं जोरदार ताली से इनका स्वागत। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रदेश साहब का मैं शुक्रिया करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर एक मौका दिया आपके सामने यहाँ पर बोलने का, वो यहाँ पर इनवाइट किया। बाकी यहाँ पर प्रोफेसर साहब हमारे बैठे हैं, तमाम हजरात यहाँ पर हैं, टीचर साहिबान हैं, बच्चे हैं, सबको मेरी तरफ से आफ्टरनून सलाम आदाब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तक्षशिला इंस्टीट्यूट की। तक्षशिला इंस्टीट्यूट जो था वो 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था दिल्ली में, ठीक। एस्टैब्लिश करने का मेन फोकस मिशन या विजन क्या था, टू प्रोवाइड गुड फैसिलिटीज, प्रोवाइड स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ स्टडी, बच्चों के डाउट्स क्लियर हो, उनको अच्छी फैसिलिटी, अच्छी टेक्निक्स, अच्छे ट्रिक्स समझ लो, अच्छी एजुकेशन मिले जो अपने मुकाम अच्छे से हासिल कर सके, ठीक। दैट वाज द मोटिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, बट लेटर ऑन इसकी नई नई ब्रांचेस खुलती गई हर जगह पर, दिल्ली हमारे यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में आप देख लो। उसके बाद मैं मुबारक दूंगा परवेज साहब को कि इन्होंने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको पता है कि हमारा ये वाला जो बैंड है जकूरा हो गया, इसमें काफ़ी एरिया पड़ते हैं, लाइक जकूरा इधर बनपुरा का सुबनी हमा शदरामा, आगे पीछे चले जाओ आप जैसे रंगपुरा, ये जो बैंड है हमारी ये प्रॉपर सिटी से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनको वहाँ जाने आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छा इनिशिएटिव है कि जो हमारे नियर बाई यहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ पर पास आके अपना एक तो टाइम उनका सेव रहेगा और एक प्रॉपर तरीके से उनको यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तो अच्छे तरीके से अपनी स्टडी में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि जो इनकी फैकल्टी है इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ पर आज इस्टेब्लिश किया है जैसे बच्चे हमारे होंगे जो टीचर साहिबान हैं वो उनको उस तरीके से डील करें कि दे आर शुड बी इक्वल। देखो हर किसी की बैकग्राउंड डिफरेंट होती है, कोई शॉपकीपर है, कोई लेबर है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई प्राइवेट बिजनेस करता है, एवरीवन हैज देयर ओन बैकग्राउंड जिसमें वो काफ़ी चीज़ें नहीं वो मतलब कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बच्चों को मिला के देखना है। अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं कोई भी क्लास में, तो उसमें देखना हमको 20 में से हमारे क्या 20 के 20 बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं। इसमें देखो अक्सर होता है क्या है कि हर क्लास में कुछ ना कुछ बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट में आते हैं, एवरेज में आते हैं,
below average आते हैं और poor category में आते हैं. There are four categories. हमने हर किसी को एक ही माइंड में रखे चल रहा है कि हर बच्चे को हमने ऑलराउंडर बनाना है. और बाकी आप ठीक है, आप काफी मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है सबको, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें वर्कआउट होती हैं. तो इसमें देखो जितना हमें मेहनत करने की जरूरत है बच्चों को, उतना ही पेरेंट्स, उतना ही टीचर, सबका इक्वली होता है, सबका अपना अपना काम. ठीक, सॉरी आपका इतना टाइम ले लिया, तो बस मैं इतना यहाँ से कंक्लूड करूँगा. तो यही कहूँगा लास्ट में कि विश यू ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू सेट दिस तक्षशिला इंस्टीट्यूट इन दिस रूरल एरिया जहाँ पर बड़े कम चांस रहते हैं. थैंक यू सो मच.